आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी नए तरीके से। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने छोले वाले चने लिए थे और रात को भिगो के रख दिए थे, तो हमारे फूल चुके हैं और इन्हें हम अच्छे पानी से धो के रखेंगे। हमने इसे 2 बार अच्छे पानी से धोया है। इसके बाद कुकर में डालेंगे और इस पे नमक डालेंगे 1 चम्मच और इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। कम से कम इसमें 4 सीटी लगने तक छोले को उबलने दीजिए। और अब हमारे छोले पक्के तैयार हो चुके हैं। हमने लिया है 2 कटे हुए प्याज और 12 कली लहसुन की और 2 टमाटर, 2 मिर्च, और इन्हें हम अब कट कर लेंगे। हमने टमाटर और लहसुन और प्याज का कट कर लिया छोटे टुकड़ों में, और ये मसाला और इनका हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारे मसाले बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं कढ़ाई की ओर। रखते हैं कढ़ाई को गैस पे, और गर्म होने पर इस पे तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इस पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद कटी हुई 2 मिर्ची डालेंगे। और इस पे हम प्याज लहसुन का पेस्ट डाला है और इन्हें अच्छे से भूनेंगे। अब प्याज को हम अच्छे से भूनने के बाद इस पे हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, और इस पे हम मसाला डालेंगे। और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। अब जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मसाला देखो हमारा पक चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। इस तरह मसाला पक जाए तो इस पे आप टमाटर का पेस्ट डाल देना। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें धीमी आंच में पकाएंगे। और हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है, तो इस पे हम जो छोले हैं वो डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई गैस पे पकाएंगे। आप चाहे इसमें पानी डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है 1 गिलास। इस पे थोड़ा कम है तो और डाल दिया है। और हाई गैस खोल देंगे और इस पे 1 चम्मच नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं पकने के बाद। आप जितना चाहे तो आप और पानी रख सकते हैं, मुझे थोड़ा ही पानी रखना है इसलिए मैंने ये सारा पानी जला दिया है।
और हमारे छोले बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, आप चाहे इसे छोले कुलचे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, हमारे छोले तैयार हैं। अब